BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव कैलोरा में एक युवक द्वारा एक लड़की को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा राव एवं प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन द्वारा में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल लड़की को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक नरेंद्र उर्फ रिंकू पुत्र संजय निवासी नगला हसनपुर थाना कोसीकला जनपद मथुरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जनपद मथुरा का रहने वाला है तथा एक वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उक्त लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी और बातचीत होती थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव होने पर आज आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। हाथरस जंक्शन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम कैलोरा में एक युवक द्वारा एक युवती को गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव, थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मेरे द्वारा भी मौके पर मुआयना किया गया। जो पीड़ित युवती थी घायल, उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। तथा मौके से ही जो इस घटना में आरोपी है रिंकू पुत्र संजय निवासी थाना कोसीकला जनपद मथुरा, उसको मौके से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके पास से अवैध तमंचा व खोखा कारतूस भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि करीब एक वर्ष पूर्व से फेसबुक के माध्यम से वो इस युवती के संपर्क में आया था और उसके बाद से इनकी दोस्ती हो गई थी तथा लगातार फ़ोन पर इनकी बातचीत होती थी। इनके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिसके क्रम में आज ये गांव आया और इसने इस घटना को कारित किया गया। आरोपी को हिरासत में लेके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त पुलिस बल गांव में मौजूद है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।